वेलकम बैक। मैं हूं मानिक पेक और मैं आपको स्वागत करता हूं गूगल एड्स ट्यूटोरियल हिंदी क्लास में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप गूगल एड्स ट्रेनिंग कोर्स फ्री में मिलते रहेंगे। फ्रेंड, गूगल कोर्स आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेंगे और ये सीरीज नंबर 42 है और यहाँ पर आप सीख सकते हैं कि कैसे ब्रांडिंग जो पोटेशन है वो कैसे काम करते हैं और आपका अगर जो बिजनेस है वो आप कैसे तरीके से एड कैंपेन चलाने से पहले कैसे आप अलर्ट हो जाएंगे। फ्रेंड, गूगल ब्रांडिंग एड्स चलाने से पहले आपको थोड़ा सा एड चलाना होगा, जानना होगा कि गूगल के अंदर जो पॉलिसी है, जो ब्रांड प्रोटेक्शन है वो कैसे काम करते हैं, राइट। फ्रेंड, मैं आपको ये एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी का नाम यूज करके आप एड कैंपेन नहीं चला सकते हो, बिकॉज अगर आप ये कोशिश करेंगे तो आपको जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा, राइट। फ्रेंड, ये सारे चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको एड बहुत अच्छे तरह चलेंगे। पर गूगल एड्स के द्वारा जो ब्रांड प्रोटेक्शन है या जो ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन है वो कौन से तरीके से काम किया है, वो क्या बोलना चाहते हैं, ये सारे चीज लेकर मैं इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। फ्रेंड, गूगल एड्स चलाने से पहले ये इन्फॉर्मेशन आपको ज्यादा जरूरी है, इसलिए क्योंकि आप गलती ना करिए और आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो जाए, राइट। फ्रेंड, आपको गूगल अपॉर्चुनिटी देता है, आपका खुद का जो बिजनेस है वो बिजनेस के रिलेवेंट जो कीवर्ड मैच होता है वही कीवर्ड को आप एड कैंपेन चलाएंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा और आपका जो अकाउंट है वो गुड क्वालिटी वाला एड कैंपेन माना जाता है, राइट। कोई भी अगर गलत तरीके से एड कैंपेन क्रिएट करना चाहेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, राइट। फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एक कीवर्ड लिस्ट चूज करूंगा कि एक मतलब क्या होता है, नॉर्मली एक कीवर्ड है जो जनरल और ऑर्गेनिक कीवर्ड है, राइट। अगर आपका एड कैंपेन के अंदर सिर्फ गूगल एक कंपनी या फेसबुक या अमेजोन या ट्विटर सपोर्ट ये सारे चीज लिखने के लिए आप कोशिश करेंगे और आप एड कैंपेन चलाने के लिए कोशिश करेंगे तो आई होप ऐसा ही तरीके से टेक्निकल सपोर्ट और ये सारे चीज के लिए आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। बिकॉज गूगल प्रोटेक्शन इसलिए करे गए है कि मान के चले आपने एक बहुत मेहनत करके आपका कंपनी का ब्रांडिंग नेम आपने खड़ा किया, राइट, और आपका कंपनी का मार्केट के अंदर ब्रांड है, राइट। तो वही ब्रांड को इस्तेमाल करके ज्यादातर ज्यादा जो लोग फ्रॉड टाइप की बिजनेस करते हैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है, वही हिसाब से गूगल आपको बिजनेस को प्रायोरिटी देता है। अगर आपको वेबसाइट के अंदर भी ट्रेडमार्क मेंशन है और आप गूगल को ये सारे चीज सबमिट कर देंगे कि हाँ आपका बिजनेस ट्रेडमार्क है और आपका बिजनेस भी लीगल है और ये सारे जो ब्रांडिंग कीवर्ड है ये आपका खुद का ही है, राइट। तो ये सारे चीज करने के लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करना जरूरी है, बिकॉज ऑनलाइन के द्वारा अगर आपको बिजनेस का कोई गलत तरीका फायदा ना उठा सके। फ्रेंड, आप जानते हो कि मैं प्रोफेशनली एक डिजिटल मार्केटर हूँ, जहाँ पर आपको SEO, PPC, गूगल एड्स, डिजिटल मार्केटिंग लाइक वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट के सर्विसेज भी आपको मिलते रहेगा। अगर आपको बिजनेस के लिए कोई भी क्वेरी या हेल्प चाहिए तो जरूर आप मेरा ये नंबर से कॉल करिए बिजनेस परपज, राइट। फ्रेंड, थैंक यू सो मच, आपने इंपॉर्टेंट टाइम दिया, एक छोटा सा अलर्ट था, यही आपको जानकारी देना था, तो मेरा साथ आपने जो इंपॉर्टेंट टाइम दिया इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नया एक वीडियो के साथ, तब तक आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।